थाना इलाके में फिरौती मांगकर हत्या करने का मामले का खुलासा हुआ है। हमारे साथ एडिशनल पुलिस कमिश्नर कैलाश विश्नोई है। आइए जानते हैं क्या है पूरा मामला। सर क्या है पूरा मामला? आयुक्तालय के थाना क्षेत्र सांगानेर में 22 तारीख को परिजनों द्वारा अपने बेटे की बेसिकली हनुमान मीना जो मृतक भी है उसकी मिसिंग रिपोर्ट दाखिल की जाती है जिसमें किसी तरह का शक सुबह नहीं था। अपहरणकर्ताओं के द्वारा उसको एक वीडियो बना करके भेजा जाता है 23 तारीख को। 23 तारीख पर आकर के वो वीडियो जब थाने पर दिखाते हैं तो प्रकरण की गंभीरता समझ में आती है पुलिस को। पुलिस के द्वारा तुरंत इसमें प्रकरण पंजीबद्ध किया जाता है और सीपी साहब के विशेष निर्देशों पर डीसीपी ईस्ट के सुपरविजन में एक विशेष टीम गठित की जाती है जिनके द्वारा तकनीकी अनुसंधान और अन्य साक्ष्यों के आधार पर 3 आरोपी गिरफ्तार किए गए। उन तीनों आरोपियों से गहनता से पूछताछ करने पर उन्होंने वारदात को स्वीकार किया और पूरी घटनाक्रम को इस तरीके से बताया कि इन्होंने करीब 2 माह पहले ही इन लोगों ने प्लानिंग कर ली थी। प्लानिंग के तहत ये अपहरण करने के पश्चात में जहाँ रखेंगे उसके लिए एक फ्लैट भी किराए पर लिया सांगानेर क्षेत्र के अंदर ही, और चूँकि जान पहचान थे पीड़ित और आरोपी तो उसको जरिए फ़ोन करके उसको बुलाते हैं। उसके बाद उसके हाथ में बंधक बना करके ये वीडियो बना करके डिमांड की जाती है। मृतक के द्वारा गतिरोध विरोध करने पर उसकी हत्या भी कर दी जाती है। ये सारा घटनाक्रम 22 तारीख को ही हो जाता है। उसके बाद ये डेड बॉडी को भी डिस्पोज ऑफ कर देते हैं। उसके पश्चात 23 तारीख को ये लोग वीडियो बना करके भेजते हैं और फिर भी उम्मीद करते हैं कि भाई हमको पीड़ित पक्ष एक बड़ी राशि जो करीब 1 करोड़ रुपये वो दी जा सकेगी। सर कब ये जानकारी मिली, परिजन कब गए थे? देखिए मैंने बताया सिलसिलेवार 22 तारीख को देर रात्रि में परिजनों द्वारा एक मिसिंग रिपोर्ट दी जाती है जिसमें किसी तरह का शक सुबह नहीं था। 23 तारीख को उनको जब आरोपी एक वीडियो भेज करके डिमांड करते हैं फिरौती की तो फिर वो हमारे पास में आते हैं, थाने पे आते हैं और थाने पे आकर के अपना वीडियो दिखाते हैं। तब इसमें अपहरण का केस दर्ज होता है और पुलिस त्वरित गति से अनुसंधान करती है, चाहे वो तकनीकी साक्ष्य रहे हों चाहे अपनी दूसरी फिजिकल हमारा जो वेरिफिकेशन का प्रोसेस है उसके आधार पर दोनों आधारों पर हमने मुलजिम आइडेंटिफाई किए, उनको इमीडिएटली पकड़ा, उन्हीं की निशादेही से द्रव्यवती नदी के अंदर उस बोरे में डेड बॉडी को रिकवर किया। तो ये थे हमारे साथ कैलाश विश्नोई जो बता रहे थे कि हत्या के मामले में 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। फिलहाल इन तीनों से सांगानेर थाने में पूछताछ जारी है। कैमरा पर्सन मुकेश मीणा के साथ राकेश दादी, सच बेधड़क, जयपुर।